नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया। बहुत सारे मिथ आते हैं इस चीज को लेके कि हम किस तरह सरक के सोए कि हमें चैन की नींद आए, हमें बीमारियां ना लगे और हम साउंड स्लीप में जाएं। क्योंकि जिसको नींद अच्छी आती है, जिसको एक शांति का, एक सुकून भरा पूरी रात का आभास होता है, वही अगले दिन की दिनचर्या को बहुत सुचारू रूप से चला पाता है। अन्यथा इंसान सारा दिन यूं ही घूमता रहेगा, वो मेरे सर में दर्द है, मुझे तो आज रात को अच्छे से नींद ही नहीं आई, मैं तो बहुत डिस्टर्ब या डिस्टर्ब रही या रहा, व्हाटएवर। और इस तरह से लाइफस्टाइल अगर आपका बन जाए तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक नींद की बीमारी भी है, जिसे हम इंसोमेनिया भी कहते हैं। जिसको रात को सोने की आदत छूट जाए या डिस्टर्ब रहने लग जाए, वो होती है हमारी सही डायरेक्शन ना होना। अब वो कैसे जज करना है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं कि बेड हमारा इस डायरेक्शन में है, हम सराहना इधर नहीं कर सकते, उधर तो हमारी वार्डरोब है, तो एटलीस्ट हम अपने बेड की स्लीपिंग पोजीशन को तो चेंज कर सकते हैं। आप सारा दिन कहीं भी बैठिए, बेड पे कोई मैटर नहीं करता, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इनफैक्ट। लेकिन आप रात को जहां सर करके सो रहे हैं वो बहुत मेजर इम्पैक्ट देता है। अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं तो ये आपके लिए अमेजिंग रहता है, अमेजिंग। वो किस लिए? क्योंकि आपका जो साउथ ईस्ट है, एक तो साउथ ईस्ट में अगर आप सर करके सोएंगे तो आपका नॉर्थ वेस्ट में पैर होंगे, और अगर आप सुबह उठते ही नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप फेसिंग करते हैं तो आपको कामनेस आती है, आपको एक ब्रेन में एक हल्कापन महसूस होता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि हमारे 12th हाउस की, वहां पे वीनस बहुत एनहेंस होता है। स्पेशली अगर कपल का रूम इस डायरेक्शन में है, या एक कपल किसी भी रूम में अगर सो रहा है, किसी भी डायरेक्शन के रूम में सो रहा है, अगर वो अपने पिलो को साउथ ईस्ट में रखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आती है और उसकी नींद में भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको दूसरी डायरेक्शन कौन सी अच्छी है। आप साउथ वेस्ट में भी अपना पिलो रख के सो सकते हैं, और आपके जब आप मॉर्निंग में उठें तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके उठेंगे तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जहां भी इम्पैक्ट होती है वहां आपकी एनर्जीज को वो बढ़ा देती है। अब हमें ये जानना है कि हमें अवॉइड कौन सी डायरेक्शन करनी है। आपको नॉर्थ वेस्ट में सर करके नहीं सोना, आपको नॉर्थ ईस्ट में सर करके नहीं सोना। यहां पे जब आपके पैर जाएंगे तो वो साउथ, या तो आपका साउथ ईस्ट होगा या साउथ वेस्ट होगा, उस डायरेक्शन में जाएंगे। साउथ यम का द्वार माना जाता है, मृत्यु द्वार माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उस तरफ आप सोगे तो आप मर गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जीवन मृत्यु की तरफ चल पड़ा, यानी कि आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, नाइट का स्लीप डिसऑर्डर आपका होना शुरू हो जाएगा, जो कि मृत्यु तुल्य ही है। और धीरे धीरे आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, दवाइयों पे आ जाएंगे, और फिर मौत ज्यादा दूर दिखती नहीं है इंसान को। तो ये आपके लिए अवॉइड करने वाली डायरेक्शंस है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ये ऑप्शंस ही नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आरती दहिया के नाम से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको और बेटर नॉलेज देंगे, गाइड करेंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। नमस्कार।